हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आप जो ये सुंदर लता देख रहे हैं, ये ब्लू मॉर्निंग ग्लोरी की लता है। ये बहुत सुंदर फूलों वाली एक लता होती है। ये सुंदर फूल सूर्योदय के साथ ही खिल उठते हैं और मध्याह्न के समय बंद हो जाते हैं। ये बेल वर्षा काल में लगभग सारे भारतवर्ष में अपने आप उत्पन्न होती है और अपने सुंदर फूलों से सभी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, ये एक लता ही नहीं, ये एक औषधि भी है। इसका संस्कृत नाम कृष्ण बीज और श्यामा बीज है। इसका हिंदी नाम काला दाना, झार मिर्च और मरीचाई है। इसे ज्यादातर भाषाओं में काला दाना ही कहते हैं। पंजाबी में बिल्दी, मराठी में नीलपुष्पी और मलयालम में तलियारी से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम ब्लू मॉर्निंग ग्लोरी और लेटिन नाम आइपोमिया नील है। दोस्तों, इस कृष्ण बीज की बेल लंबी, हरी और सघन तथा लंबी होती है। ये रोमों से युक्त होती है और इसके कांड पतले होते हैं। इसके पत्र त्रिखंडों में युक्त होते हैं। ये देखिए इसके सुंदर पुष्पों को, इस प्रकार के ये घंटाकार पुष्प लगते हैं। पुष्प मुरझाने के बाद इस प्रकार के हो जाते हैं। पुष्प के रंग भेद से इसकी और प्रजातियां भी पाई जाती है। पुष्प के बाद फल लगते हैं। इसमें 4 से 6 काले चिकने बीज होते हैं, जिसका आकार त्रिकोणीय होता है। दोस्तों, इसके बीजों के नाम पर से ही इस बेल का नाम काला दाना है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके गुणों के बारे में। इस लता की प्रकृति गर्म होती है। ये स्वाद में कटु, दीपन, कृमिघ्न, मूत्रल और रक्तशोधक होती है। ये शरीर की सूजन को दूर करती है तथा वेदना को मिटाती है। इसके बीजों का उपयोग श्वास, कास, जलोदर और सिर दर्द को मिटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये अजीर्ण, कृमि, कंडू और वात विकारों का नाश करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कृष्ण बीज के औषधीय फायदे के बारे में विस्तार से। अगर मुंह में छाले हो गए हो तो काला दाना का क्वाथ बनाकर गरारा करें, इससे मुंह के छाले नष्ट होते हैं। दोस्तों, इसके बीज पेट को साफ करने की सबसे कारगर औषधि है। इसके 1 ग्राम बीजों को घी में भूनकर चूर्ण बना ले और उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर सेवन करे, इससे पेट साफ हो जाता है और पेट के कई रोग मिटते है। इसका उपयोग अर्श में भी किया जाता है। इसका एक और प्रयोग है, इसके 20 ग्राम बीजों के चूर्ण को 500 ग्राम मिश्री की चाशनी में मिलाएं। अब इसमें से 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ रात्रि में सोते वक्त सेवन करें। इस प्रयोग से पेट पूरी तरह साफ हो जाता है और पेट संबंधी कई बीमारियां दूर होती है। दोस्तों, अगर लीवर में सूजन हो गई हो तो ऐसी स्थिति में इस कृष्ण बीज के चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में बादाम तेल के साथ भूनकर संभाग सौंठ मिलाकर सेवन करें, इससे बहुत जल्द ही आराम हो जाता है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का उपयोग त्वचा रोगों में भी किया जाता है। इसके पत्तों को पीसकर लेप बनाकर त्वचा पर लगाने से त्वचा के कई रोग मिटते हैं। इसके अलावा अकरकरा के मूल के साथ काला दाना को पीसकर शरीर पर लगाने से सफेद दाग मिट जाते हैं। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। इसका अधिक मात्रा में सेवन न करें, क्योंकि इसके बीज तीव्र विरेचक होते हैं। इसका ज्यादा मात्रा में प्रयोग करने से दस्त हो जाता है। इसके बीजों का चूर्ण 1 से 3 ग्राम की मात्रा में लेना चाहिए। दुर्बल शरीर वाले और गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन न कराए, चिकित्सक के निर्देश में और बहुत कम मात्रा में इसका सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।